देश की सबसे पुरानी प्राइवेट एयरलाइन जेट एयरवेज की फ्लाइट्स एक बार फिर से उड़ान भरने को तैयार हैं। कंपनी को नया खरीदार मिल गया है। लेनदारों की समिति द्वारा दिवालिया हो चुकी जेट एयरवेज की बोली को जालान कलक्रॉक कंसोर्टियम ने जीत लिया है। कंसोर्टियम शुरुआत में 25 फ्लाइट्स के साथ जेट एयरवेज को शुरू करेगा। उम्मीद की जा रही है कि जरूरी मंजूरी मिलने के बाद अगले 4 से 6 महीने में जेट एयरवेज के विमान फिर से उड़ान भरते नजर आएंगे। बता दें कि वित्तीय संकट के चलते जेट एयरवेज का परिचालन अप्रैल 2019 में बंद हो गया था। दिवालिया हो चुकी जेट एयरवेज को लेकर लगी बोली को जालान कलक्रॉक कंसोर्टियम ने जीत लिया है। कंसोर्टियम अब NCLT यानी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल से रेजोल्यूशन प्लान को मंजूरी मिलने का इंतजार कर रहा है। NCLT से मंजूरी मिलने के बाद रेजोल्यूशन प्लान को सिविल एविएशन मंत्रालय के पास भेजा जाएगा। उसके बाद इसे DGCA यानी सिविल एविएशन डायरेक्टरेट के पास भेजा जाएगा। इन सब औपचारिकताओं के बाद जेट एयरवेज के विमान एक बार फिर से आसमान में उड़ान भरते नजर आएंगे। बता दें कि किसी समय जेट एयरवेज के बेड़े में करीब 125 विमान थे, मगर भारी घाटे और कर्ज के कारण जेट एयरवेज अप्रैल 2019 में बंद हो गई। इसके चलते करीब 17,000 कर्मचारियों की जॉब चली गई। इसके बाद जेट एयरवेज को कर्ज देने वाले बैंकों के कंसोर्टियम ने नरेश गोयल को कंपनी के बोर्ड से हटा दिया। जानकारों के अनुसार जेट एयरवेज को फिर से परिचालन शुरू करने के लिए बड़ी संख्या में नई नियुक्तियां करनी होंगी। इसके चलते कोरोना काल के बाद सुस्त पड़े जॉब मार्केट में तेजी आने की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वायर। चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को दबाना ना भूलें।